तो बाजार लगातार नए हाई पे चल रहा है और इस नए हाई के अंदर आपको ये चीज संभल कर ट्रेड करने की जरूरत बन जाती है कि कुछ ऐसे शेयर्स आपके हाथ ना आ जाएं जहां से आपको घाटा लग जाए, आप फंस ना जाएं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम 20 शेयर ऐसे जरूर उतारें आपके सामने जो कि बेहतर रिसर्च और बेहतर रीजनिंग वजह से आपके सामने रहे। ये शेयर इंट्राडे बेसिस पर होते हैं, हाथों हाथ मुनाफा मिलेगा, हाथों हाथ मुनाफा बनाइए और खुश रहिए और इन शेयर्स के साथ आगे बढ़िएगा। तो आज की मेरी पूरी टीम तैयार है 20 शेयर और फास्ट मनी एट टाइम्स में। ये 20 शेयर से हम आपको 20 मिनट में अच्छे शेयर्स देके उम्मीद करते हैं कि आज का दिन आपका बन जाना चाहिए। आज वीकेंड है, क्या वीकेंड मस्ती पे भी रहिएगा और इन शेयर्स का फायदा भी उठाइए। लगातार कई शेयर्स हिट हुए हैं, ये सुबह 7:30 बजे की करीब 9 कॉल ऐसी थी जो आज हिट हुई हैं। ये 20 कॉल दी जाती हैं, 50% कॉल्स ऐसी थी जो आज हिट होती नजर आई हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए लगातार सारी कॉल्स आप देखिएगा जो आपको मिलती रहेंगी, आप कौन कौन से शेयर्स आज हिट होते दिखे। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत आज मैं अपने दो शेयर्स के साथ कर रहा हूँ और पहला एक शेयर है वो है ड्रिप इरीगेशन वाला शेयर ईपीसी इंडस्ट्रीज। जैन इरीगेशन एक्चुअली हम लेना चाहते हैं लेकिन दो दिन में अच्छा मूव दे चुका है। इसका एक पीयर है ईपीसी इंडस्ट्रीज। तर्क बहुत साफ, सरकार 2020 तक किसानों की आय दोगुना करना चाहती है, बहुत क्लियर है। अब दोगुना आय सिर्फ इंश्योरेंस से तो हो नहीं सकती, प्रोडक्शन से होगी, लागत कम करने से होगी, उनकी आय बढ़ाना होगा। उसके लिए ड्रिप इरिगेशन अभी कुछ राज्यों में कंपलसरी और सभी राज्यों में कंपलसरी करने के लिए सरकार एक रोड मैप पर बातचीत कर रही है। महाराष्ट्र में तो पर्टिकुलर क्रॉप्स पे कई जगह पर ड्रिप इरिगेशन ही है, तो इसलिए सरकार का एक पूरा बड़ा एजेंडा रहेगा जो कि ड्रिप इरिगेशन के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं। इस पर आपका एक 2000 रुपये तक का टारगेट होगा, ₹200 तक का टारगेट है, 175 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। तो आज ईपीसी इंडस्ट्रीज मेरी तरफ से सबसे ज्यादा कन्विक्शन वाला शेयर है, इसलिए सबसे पहले मैंने यही आपके सामने उतारा। दूसरा शेयर है टेरा सॉफ्टवेयर, ये भी सरकार के रिफॉर्म से ही जुड़ी हुई कंपनी है। कल हमने आपके सामने 5 बड़े रिफॉर्म्स गिनवाए थे जो कि सरकार आगे आगे चल पे जिन पे काम करेगी। उसमें एक है प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन यानी उनका डिजिटीकरण होना, उसके लिए टेरा सॉफ्टवेयर एक कंपनी है जो इनके लिए सॉफ्टवेयर बनाती है। पंजाब में सभी लैंड रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो चुकी है, हरियाणा में भी काफी हद तक लैंड रिकॉर्ड्स हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। जहां जहां पे लैंड्स को लेकर ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं जिस स्टेट्स के अंदर, उस स्टेट्स को पहले प्राइमेफेसी रखा जाएगा और टेरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर सबसे बड़ा कंटेंडर बन सकता है। 68 का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, 57 का स्टॉप लॉस। अगर आप इस सौदे में थोड़ी देर पहले बने हैं या फिर बन रहे हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप इसमें एक बार पोजीशंस को बना सकते हैं। तो टेरा सॉफ्टवेयर आज मेरा दूसरा शेयर है, तो ईपीसी और टेरा दो शेयर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। साक्षी आपके शेयर। चलिए फटाफट से मैं भी शुरुआत कर लेती हूँ। आज का जो मेरा पहला शेयर है ये एनर्जी स्पेस है, उजास एनर्जी को मैंने चुना है, जो आज सुबह फास्ट मनी की कॉल भी थी और शायद संदीप आपी ने दी थी ये कॉल या फिर सुमित दी होगी, दोनों में से किसी एक ने। उजास एनर्जी का ये शेयर है और यहाँ पर मैंने क्योंकि टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज किया है, ऑलरेडी मार्केट खुलने के बाद यहाँ पर अच्छा मूव देखने को मिला था। काफी इंपॉर्टेंट तर्क यहाँ पर दिया है कि वॉल्यूम के साथ जोरदार उछाल तो देखने को मिला ही है। क्वार्टर टू में अगर देखा जाए तो मार्जिन 5 तिमाहियों में सबसे ज्यादा संभव है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में सरकार का भी काफी क्लियर फोकस है, यहाँ पर डेफिनेटली खर्च बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। 28 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर अचीव कर सकते हैं इनफैक्ट अपनी पोजिशन को और 26.20 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए इसके अलावा एक और शेयर है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ये भी ऑफशोर स्पेस है और HOEC शेयर है। ऑफशोर शेयर्स में लगातार तेजी हम देख ही रहे हैं, अच्छा मोमेंटम है। इस शेयर में भी वॉल्यूम के साथ अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अब देख लेते हैं कि क्या टारगेट्स आपके लिए हो सकते हैं आज के इंट्राडे के लिए। 106 के टारगेट्स के लिए आप इसको अपने टारगेट पर रख सकते हैं, 100 का आप एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन कीजिए। साक्षी मैं अपने स्टॉक्स बताऊं, इससे पहले टेरा सॉफ्टवेयर ने बताया था, नाम में सॉफ्ट है लेकिन रिटर्न में देखिए कितना मजबूत है वो 10% तक के मूव्स तभी देखने को मिले थे जब डिम्पी उसकी बात कर ही रहे थे, तो काफी मजबूत रिटर्न्स हैं। और मुझे याद है जब नोटबंदी हुई थी ना उन्होंने कई सारी एक लिस्ट बताई थी, इसमें टेरा सॉफ्ट का भी एक नाम था, ओरियन प्रो जैसे स्टॉक्स थे, उन्होंने देखा था नोटबंदी के बाद एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला था। तो अब शायद ये डिजिटाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात है, वो शायद एक नया ट्रिगर है जो कि इस पूरे स्पेस को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन एक और डिजिटल इंडिया या तो फिर जो पूरे रिफॉर्म्स हो रहे हैं भारत में उसी से रिलेटेड एक जो स्टॉक है वो बार्टोनिक्स था, जो कि आपको सुबह ही बताया था, पहले भी बात कर ली गई है। फास्टैग का एक ट्रिगर है जो कि इस पूरे स्पेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहा है। इसी स्पेस से या इसी ट्रिगर से जुड़ी हुई जो कंपनी है वो है MEP इंफ्रा का। देखिए जो फास्टैग्स हैं गाड़ियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि आपकी गाड़ी जब टोल से पास हो तो आपको जो जाम है उसका सामना ना करना पड़े, रेगुलर मूवमेंट हो सके, जल्दी से मूवमेंट हो सके गाड़ियों का। तो फास्टैग अगर लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो टोल ऑपरेशन वाली कंपनीज हैं उनके
लिए भी बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो बार्टोनिक्स अगर आपने चुना है, मुनाफा कमा ले तो अच्छी बात है। एमईपी इंफ्रा जैसी जो टोल ऑपरेटेड कंपनीज है ना, उन पर भी नजर रख के चली, हो सकता है यहाँ से भी अच्छा मफूम देखने को मिले। 115 का टारगेट प्राइस लेके चले, 106 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। और एक टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी है वेल्सपन इंडिया, इसे मैंने 16 तारीख को भी उतारा था, उस समय 64 रुपए के आसपास का था। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे 78 तक की जो चाल है वो देखने को मिल सकती है। देखिए टेक्सटाइल शेयरों में हाल फिलहाल हमने काफी अच्छे मूव देखे भी हैं, रजत हो सकता है उस पर और भी थोड़ा चर्चा करें, लेकिन ये एक ऐसा किया था इनफैक्ट, इसलिए पता मेरे को इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप देखें पूरे टेक्सटाइल जो रैली हुई है उसमें ये लास्ट लेग है जो है रैली का, उसमें अब ये पार्टिसिपेट करता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि बाकी स्टॉक्स के मुकाबले इसमें जो मूव्स हैं वो शायद काफी शार्प, काफी स्विफ्ट देखने को मिले। तो वेल्सपन में 78 का टारगेट आज के लिए, 7290 का स्टॉप लॉस रखें। इसमें ये भी कि 3 तिमाही से बहुत तगड़ा मुनाफा पोस्ट करेगा अपने, इस बार भी एक्सपेक्टेशन है कि घाटे से मुनाफे में लौटेगी सालाना। ये ना टेक्सटाइल का आप नाम ले दीजिए, टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी, ये टेक्निकल, उसके फंडामेंटल, उसके चार्ट सब बता देंगे। ऑटो एंसिलरी बोल दिया, मैनन बियरिंग मैंने शामिल किया हुआ है। पहला शेयर है मैनन बियरिंग जिसपे आप नजर रखे चले। देखिए स्ट्रॉन्ग मूव दे सकता है, 3 सेक्टरों में हल्की मुनाफा वसूली थी लेकिन आज फिर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। ये भी बता दूं कि मेजर ऑटो कंपनी इसको सप्लाई करती है ये पार्ट्स, तो कहीं ना कहीं इस समय रडार पर है। ठीक वैल्यूएशन है, डिविडेंड यील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की, लेकिन टेक्निकल आधार पर भी देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स, इनफैक्ट सभी एवरेजेस के ऊपर है, तो तेजी बढ़ेगी। 99 से 100 रुपए तक के टारगेट्स आज इंट्राडे में आप लगाकर चलें। स्टॉप लॉस 89 से 90 की रेंज पे लगाना होगा, लेकिन मैनन बियरिंग पे फोकस रखें। पोजिशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ सकता है क्योंकि नतीजे अभी तक आए नहीं है, एक्सपेक्टेशंस इस कंपनी से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक और स्पेस है वो है पेट्रोकेमिकल स्पेस, जिसमें तमिलनाडु पेट्रो, इस स्टॉक को आप देख सकते हैं, अच्छी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। मैं फिर कह रहा हूं कि कल हम सुप्रीम पेट्रो जैसे स्टॉक्स में तेजी थी, आज कॉमोडिटी केमिकल प्ले बहुत स्ट्रांग हो रहा है मार्केट पे, जिसमें DCW थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, TN पेट्रो में अच्छी मोमेंटम बनता हुआ नजर आया, इसमें तेजी बनाई जा सकती है। टारगेट रहेगा 77, स्टॉप लॉस 72 का फॉलो करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो दो शेयर कंप्लीट हुए, करीब 8 शेयर हमने आपके सामने रख दिए और उम्मीद करते हैं कि ये लिस्ट आगे बढ़ेगी। और जैसे जैसे शेयर्स रख रहे हैं आपके सामने, आपको मुनाफा हाथों हाथ भी मिल रहा है। टेरा सॉफ्टवेयर उसका एक लाइव एग्जांपल है।